Assalamu alaikum and welcome to the MCQ series of JKSSB, which are going to be held very soon exams. Okay, so today our topic is about the world, political and physical divisions of the world. Hum important MCQs kuch yahan pe discuss karenge, world ki physical as well as political. So pehla question jo hamara aaj ka hai, which is the longest river in the world? Yahan baat ho rahi hai longest river ki. तो यहां पे हम तीन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे. यहां से बच्चा तीन ऑब्जेक्टिव्स यहां से हम क्लियर करेंगे. पहली बात, लॉन्गेस्ट रिवर, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं एसएसबी. तो इट इज सिंपल एंड शॉर्ट, इट्स नाइल रिवर, व्हिच इज इन इजिप्ट. इजिप्ट इज इन अफ्रीका. इजिप्ट अफ्रीका में है. तो नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम सेकंड लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, यहां पे एक और ऑब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे, देन सेकंड लॉन्गेस्ट इज अमेज़न. अमेज़न दूसरे नंबर पे आता है. पहले नंबर पे कौन सा आता है? नाइल. अमेज़न तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है अमेज़न रिवर, जो कि साउथ अमेरिका में है. थर्ड रिवर अगर हम देखेंगे, देन इट्स यंगसी. लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल एज इट इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, विच इज इन चाइना. चाइना में. अगर हम चौथे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, गंगा इट इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. किसकी बात हो रही है? इंडिया की. सो यहां पे आपको चार ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए. नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज अमेज़न एंड इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर. सबसे बड़ा रिवर वर्ल्ड का अमेज़न है, लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट. एंड द थर्ड वन इज यांगसी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना एज वेल एज ऑफ एशिया. और गंगा की बात यहां पे होगी, गंगा इज द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चा. सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉटरफॉल दैट इज एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच रिवर. पहला ऑब्जेक्टिव यहां पे क्लियर होता है हमें कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट वॉटरफॉल है, दैट इज एंजल फॉल्स. दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है, ये किस कंट्री में है? ठीक है, अगर हम इस चीज को देखेंगे, ये आपका साउथ अमेरिका है बच्चा. साउथ अमेरिका, यहां से 21 यहां से पास होता है. और यहां पे मैं कुछ कंट्रीज के नाम बताऊंगा, क्योंकि हमें दिखाना है एंजल फॉल्स कहां पे है. इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे. यहां पे कंट्री करके दैट इज कॉल्ड इक्वेडर. क्या हो रहा है? इक्वेडर. इक्वेटर के आगे यहां पे एक और कंट्री है, दैट इज कॉल्ड कोलंबिया. फिर यहां पे एक कंट्री करके है, दैट इज कॉल्ड वेनेजुएला. वेनेजुएला. उसके बाद यहां पे है आगे गयाना, यहां पे है सुरीनेम, यहां पे है फ्रेंच गयाना. उसके आगे दिस कंट्री, इट्स कॉल्ड ब्राजील. यहां पे एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड उरुग्वे. उसके बाद ये वाली कंट्री है, दैट इज कॉल्ड अर्जेंटीना. बच्चा वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां से क्लियर होगी आपको, यहां से साउथ अमेरिका पूरा क्लियर होगा. ये वाली कंट्री करके है, दैट इज कॉल्ड चाइल. यही पे एक अटकामा डेजर्ट है, जिसकी मैं कल बात कर रहा था. उसके आगे ये वाली कंट्री है, दैट इज कॉल्ड पीरू. फिर लैंडलॉक दो कंट्रीज है इसके, एक यहां पे है, दैट इज कॉल्ड बोलिविया, जिसकी कैपिटल लापाज है, और दूसरी यहां पे है, दैट इज कॉल्ड पैराग्वे, जिसकी कैपिटल असंशन है. तो यहां पे वेनेजुएला है, इसी पे आपका यहां पे ही एंजल फॉल्स है. वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, दैट इज एंजल फॉल्स. क्या नाम है बच्चा? सो इट्स आंसर इज वेनेजुएला. लेकिन हम यहां पे एक और चीज करेंगे, ऑन विच रिवर दिस एंजल फॉल्स इज. किस रिवर पे एंजल फॉल्स है बच्चा? अगर किताबों में आप देखेंगे, बुक्स पे आप देखेंगे, कहीं पे भी अगर एसएसबीपी क्वेश्चन पूछता है, देन इट्स रिवर ओरोनिको. ओरोनिको पे ये बोला जाता है कि ये रिवर ओरोनिको पे एंजल फॉल्स है. लेकिन अगर हम अंदर की बात देखेंगे, इट्स ऑन रिवर चुरुन
and river Charun is a tributary of river Karoni, and river Karoni is a tributary of river Oronico. But as well as you know that river Oronico is very famous river, so it is said that the Angel Falls is on river Oronico. उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. ये बच्चा हर किसी को पता होगा, ये क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि एसएसबी ने पूछा हुआ है. तो मे बी कभी कभार इंसान गलत कर देता है ये वाला क्वेश्चन. तो इस कंट्री का वर्ल्ड सॉरी विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो इट्स आंसर इज जापान. सिंपल, जापान, क्योंकि पूरा ईस्टर्न साइड में है तो लैंड ऑफ राइजिंग सन वहीं पे हो जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. कहां पे सबसे ज्यादा लेक्स की बात नहीं हो रही है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स आप फिनलैंड को मार्क कर दो. फिनलैंड को ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. दोनों क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी और लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, फिनलैंड इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड. ये भी एसएसबी पूछ सकता है फिर से कि लैंड ऑफ सॉरी येलोस्टोन नेशनल पार्क किस कंट्री में है. ये एक स्टेट है दैट इज कॉल्ड वियोमिंग. वियोमिंग डब्ल्यू करके स्टेट आती है, वियोमिंग, वियोमिंग. एंड दिस वियोमिंग स्टेट आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो नेशनल पार्क है दैट इज कॉल्ड येलोस्टोन. बड़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वहां की. यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करना. इन विच कंट्री येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड, इट्स इन यूएसए एंड द स्टेट इज कॉल्ड वियोमिंग, जहां पे लोकेटेड है. आई होप ये आपको समझ आया हो और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल गलती से भी गलत नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, यहां तक क्लियर हुआ, आगे चले. चलो, विच इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ये भी मुझे लगता है हर किसी बच्चे को पता होगा कि सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड का कहां पे है. अगर हम बात करेंगे फिर से, हमें फिर यही साउथ अमेरिका बनाना पड़ेगा और वहां पे जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, सेल्वाज है वहां पे, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, विच आर कॉल्ड द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि ब्राजील में मोस्टली लाई करते हैं और भी कुछ कंट्रीज में लाई करता है. तो इसका आंसर क्या रहेगा, अमेजोन. और अमेजोन खुद कहां पे, ब्राजील और साउथ अमेरिका की बात होगी तो साउथ अमेरिका. तो आंसर इज अमेजॉन, ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है. मे बी आपने पढ़ा होगा, आगे जाके जब मैं सीरीज, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू सीरीज को छोड़ के आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये सारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, इंडियन भी और वर्ल्ड भी, उसमें मैं एक एक कंटिनेंट को उठाऊंगा, एक एक कंटिनेंट को. हम मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव फिर मिस हो सकता है वर्ल्ड से या इंडिया से या कहीं से भी. तो यहां पे फिर हम इन चीजों को ऑन मैप देखेंगे, कौन सी जगह कहां पे है, कौन सा लेक कहां पे है, कौन सा रिवर कहां पे है. ये बड़ा आसान, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम इतना आसान कर देंगे कि सीधा मतलब आपको यहां से कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा. विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका. अगर आप मे बी आपने नाम सुना हो इसका, इट्स सिंपल एंड शॉर्ट, इट इज लेक विक्टोरिया. विक्टोरिया की बात हो रही है, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका. और दूसरे नंबर पे लेक तंगानाइका, तंगानाइका दूसरे नंबर, और यही डीपेस्ट लेक भी है, डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका. आई होप ये समझ आया हो आपको, लेक विक्टोरिया. फिर मैं आगे जाके बोलूंगा कि यहां से जब हम आगे पढ़ेंगे आपका मेन जो लॉन्गेस्ट रिवर अभी हमने पढ़ा नाइल, तो उसका ओरिजिन इसी लेक विक्टोरिया से भी है. वहां पे ब्लू नाइल एक है, व्हाइट नाइल है, वो हम आगे देखेंगे क्या कौन सा कहां से ओरिजिन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस. अब ये क्वेश्चन है, यहां और दो क्वेश्चन और छिपे हुए हैं. ये एसएसबी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछ सकता है. विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, एंड विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. अगर हम बात करेंगे हम ग्लोब बनाएंगे, दिस इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहां पे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहां पे एक रिवर करता है जो दो बार काटता है इसको, ऐसे करके माही रिवर. सो एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो गया, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. कैंसर की बात हो रही है,
तो इट्स माहिर वन, मार्क द वर्ड, ठीक है, ये नोट करके रखो बच्चा, मुझे लगता है आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा. सो दूसरा पॉइंट यहां से आता है, विच रिवर क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस. तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कौन सा रिवर काटता है इसको, ज़ेम्बेज़ी तो नहीं, नाइजर तो नहीं, ऊपर है लिम्पोपो, लिम्पोपो जो कि साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, तो लिम्पोपो इसका आंसर है. रिवर लिम्पोपो क्रॉसेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिम्पोपो, एल आई एम पी ओ पी ओ, ठीक है बच्चा. अब क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, वो क्या होता है, ट्वाइस क्या काटता है, मतलब दो बार यहां से, फॉर एग्जांपल ऐसे, यहां से भी रिवर जाता है और यहां से भी फिर रिवर जाता है, या ऐसे करके हो सकता है, तो दो बार इसको एक काटता है. तो यहां सेंटर में जो इक्वेटर पे है, इट इज द रिवर कांगो, रिवर कांगो क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, आई रिपीट, रिवर माही क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, रिवर कांगो क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, एंड रिवर लिम्पोपो क्रॉसेस जो अफ्रीका में है, जो क्रॉसेस क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस. ओके चलो आगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर काट. अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात हो रही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक है टेम्परेट ग्रासलैंड. अब जो ग्रासलैंड्स विद इन ट्रॉपिक्स होंगे, अब जो ग्रासलैंड्स विद इन ट्रॉपिक्स होंगे, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, जो इसमें ग्रासलैंड्स होंगे ना, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इस वाले बेल्ट, इनको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. और जो इसके बियॉन्ड होंगे, दिस जोन एंड दिस जोन, दीज आर कॉल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स. अब जहां बारिशें ज्यादा होंगी, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एरिया में बारिशें ज्यादा हो सकती है, तो यहां पे घास ज्यादा होंगे, लंबे टॉल ग्रासेस, एलिफेंट ग्रासेस जिन्हें कहते हैं, और टेम्परेट रीजन में बारिशें कम होने की वजह से शॉर्ट ग्रासेस रह सकते हैं यहां पे, ठीक है. तो अब इनके नाम है डिफरेंट कंट्रीज में, अब इनके नाम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एसएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तीन चार क्वेश्चन एक ही साथ लाए हैं. तो अब है क्वेश्चन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं वेल्डस बी और बुश वेल्ड, इनको बोलते हैं क्या, बोलते हैं बुश वेल्ड, नॉट सवाना, नॉट कैंपा, सवाना भी ग्रासलैंड्स ही है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका में नहीं उनको सवाना बोलते, साउथ अफ्रीका में इनको बोलते हैं बुश वेल्ड. अगर अफ्रीका पे सीधा क्वेश्चन आए अफ्रीका में क्या बोलते हैं, तो फिर आप सवाना लिख सकते हो. फिर अगर उसकी बात अगर हम आगे करेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात होगी, वो बुश वेल्ड, इसको हाई वेल्ड्स भी बोलते हैं और वेल्ड्स भी बोलते हैं इसको भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स, इनको डार्लिंग डाउन्स भी बोलते हैं और डाउन्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, यहां से किसी में से भी ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं. उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड आर कॉल्ड, न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो उनको बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन्स. अगर हम बात करेंगे यहां पे, वो मैंने क्वेश्चन में नहीं रखा हुआ है, मुझे याद आ रहा है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड, या जम्मू एंड कश्मीर आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड मर्गस, मर्गस हम बोलते हैं ना, मर्गी शुगर, सुन मर्गी, मर्गस, तो दीज आर कॉल्ड मर्गस. और इन्हीं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को पायार्स एंड बुग्याल्स बोलते हैं उत्तराखंड में, क्या बोलते हैं, पायार्स एंड बुग्याल्स इन उत्तराखंड. क्लियर, आगे चले, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी प्लेन्स इन न्यूजीलैंड, whereas Murgus in Kashmir. Now the next question is, the flightless bird of Kalahari Desert is called. इस पे question पूछ सकते हैं किसी country का flightless bird, कभी Australia का पूछ सकते हैं. हमने एक question पूछा है Kalahari Desert. Kalahari Desert Africa में है, Botswana में है Kalahari Desert, जो कि important है for two tribes, Bushmen and Hottentots. ये भी यहाँ से आपको एक और object clear होता है, Bushmen and Hottentots के लिए बड़ा important है Kalahari Desert. तो अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड बोस्वाना में. तो फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ दिस डेजर्ट, पर्टिकुलरली कालाहारी डेजर्ट, इट इज कॉल्ड, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज द फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ कालाहारी डेजर्ट. नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड, ऑप्शन नहीं रखे हैं मैंने यहां पे. तो जो हाइएस्ट पीक है
अफ्रीका का, उसको क्या बोलते हैं? अगर आपको पता हो तो पहले ही इसको आंसर कर दो, फिर आप कमेंट्स में। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड माउंट, शाबाश, किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो और आगे भी सारे क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूरोप। अभी तक हम अफ्रीका में घूम रहे थे, अब नेक्स्ट है यूरोप से क्वेश्चन है। वियना सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो वियना सिटी है ऑस्ट्रिया की कैपिटल, इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? रोन, राइन, वोल्गा और डेन्यूब? शाबाश बच्चे, बोल सकता है कोई इसका आंसर? तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, इट्स डेन्यूब। क्या है नाम? डेन्यूब। ये डेन्यूब ना पांच बड़ी सिटी से, यूरोप के बड़ी सिटी से निकलता है। एक है वियना, दूसरी है ब्रिटिस्लाविया, बेलग्रेड, बुचारेस्ट एंड बुडापेस्ट। पांच बड़ी सिटी से, वियना, बेलग्रेड, ब्रिटिस्लाविया, बुडापेस्ट एंड बुचारेस्ट। ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी से निकलता है रिवर डेन्यूब, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हाइएस्ट पीक कौन सा है? पहले याद करो, अगर आपने पढ़ा है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा अभी जब मुझे वर्ल्ड पढ़ाना होगा, तो साउथ अमेरिका की बात हो रही है। साउथ अमेरिका में जो माउंटेन्स है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड के, दैट इज कॉल्ड एंडीज। क्या नाम है उनका? एंडीज। तो एंडीज पे एक पीक है, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, कोई बोल सकता है? माउंट किलीमंजारो अभी हमने बात की, ये कहां पे है? अभी बात की हमने, ये अफ्रीका में। माउंट विटनी नॉर्थ अमेरिका में है, तो माउंट अकानागुआ इसका आंसर बनता है। अकानागुआ इसको बोलते हैं, माउंट अकानागुआ इसका आंसर है। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज विच लाई इन साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है ये। एसएसबी ने छोड़ो, पीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब इनहेबिटेड कैपिटल की बात कर रहा है, जहां पे लोग रहते हैं वो नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, मतलब पोल्स के नजदीक होगी वो, सीधी बात है। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री है, पहले हम देखेंगे कंटिनेंट कौन सा है, एशिया भी यहां से है, अगर हम रशिया को देखेंगे, रशिया वाला पार्ट यहां से, यूरोप भी है और वहां से नॉर्थ अमेरिका भी है। लेकिन यूरोप के कुछ एक कंट्री है यूरोप की, अगर आप स्वीडन को देखेंगे, फिनलैंड को देखेंगे, नॉर्वे को देखेंगे, उससे ऊपर एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड आइसलैंड। आइसलैंड मैं आगे जाके वर्ल्ड आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूं। आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक। So this is the northernmost capital of the world, inhabited capital. यहां से एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, which is the southernmost inhabited capital of the world? फिर southern hemisphere पे कोई होगी? तो अगर आप देखेंगे अंटार्कटिका को छोड़ रही है, inhabited capital की बात हो रही है, तो it's the capital of New Zealand. It's the capital of New Zealand. That is Wellington. Wellington is the southernmost capital of the world. इनहैबिटेड कैपिटल वेलिंगटन है, जो कि कैपिटल है किसकी? न्यूजीलैंड की। जो हम बात कर रहे थे अभी, न्यूजीलैंड में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था, कैंटरबरी प्लेन्स, वो क्या है? वहां के टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड आर कॉल्ड कैंटरबरी प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, वो कौन सा बनता है? This is your Africa. तो इसका यहां पे southern most point है। शाबाश, कोई बोल सकता है? तो comment करके बता दो जिसको पता होगा। देखो Cape of Good Hope की अगर हम बात करेंगे, ये अफ्रीका में नहीं है। चलो southern most जो है Cape Horn South America में है। कहां पे है? South America में। तो इसका आंसर सीधा बनता है Cape Agulhas। Agulhas। तो इसका आंसर बनता है B point. B is the answer of this question. So, ये सीरीज थी अभी तक 18 questions की, लेकिन इन 18 में हमने फिर से आज और 10-15 questions डिस्कस किए। ये लगभग लगभग 30 questions से अबू ही क्वेश्चन किए होंगे। आई होप ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेप्थ पे हम गए, तो बाकी questions भी हमने किए। So, कौन सा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका? इट्स केप ओगुलास। I repeat, southernmost
पॉइंट ऑफ इंडिया फिर कौन सा था जो हमने परसों डिस्कस किया था, केप कमोरिन, एंड विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, देन इट इज शबाश इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है बच्चा, आई होप यहां तक आपको सारा समझ आया हो, और मेहनत करते रहो, फिर से मैं रिपीट करूंगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, यू विल क्वालिफाई, डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, अपने आप पे भरोसा रखो, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, कोई मसला नहीं। जो सिलेक्शन में आ जाते हैं मुझे बताओ उनको आपसे कुछ एक्स्ट्रा होता है? उनको भी यही दो आंखें होती है, यही दो हाथ होते हैं, यही नाक होती है, यही दिमाग होता है, उनको कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं होता है, वही टांगे होती है, उनको चार हाथ नहीं होते, बस उनके पास एक चीज अच्छी होती है, दैट इज स्ट्रेटजी। क्या होती है उनके पास? स्ट्रेटजी। वो हार्ड वर्क को छोड़ के स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क। तो वो आपको देखना है कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। आप बने रहे हमारे साथ, इस पर भी हम पूरे लेक्चर देंगे कि कैसे अप्रोच करना है चीजों को, कैसे ये एसएसबी कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, कैसे हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटजी की है, और एंड बी पैशनेट अबाउट योर गोल। बड़ा सोचो, क्योंकि खा बड़े होने चाहिए ना, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। छोटे खा बड़ा सोचो, डेफिनेटली कुछ बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करोगे आप लाइफ में। चलो बच्चा, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।